आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो कि राजनीतिक मायनों में सबसे अहम प्रदेशों में देश में है। केंद्र की सत्ता यहां से तय होती है और यहां के चुनाव कभी भी खत्म नहीं होते। जब एक चुनाव यहां पर खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियां यहां पर शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद लगा कि कुछ दिनों तक अब राजनीतिक उठापटक उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन उसी बीच फिर विधान परिषद के चुनाव, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव और अब 23 जून को होने वाले बाई इलेक्शन दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में, ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी भी राजनीति या उत्तर प्रदेश में कभी भी चुनाव खत्म नहीं होगा। लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से प्रयास और कोशिशें रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या उत्तर प्रदेश, क्योंकि आज भी देखने को मिला जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा पहुंचे थे, उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को संबोधित किया था, तो उस दौरान भी इस चीज की चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से राजनीति निकलती है और राजनीति हमेशा यहां बसती रहती है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो 23 जून को उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं, उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों के को लेकर के जो राजनीतिक लड़ाई है वो काफी अहम दिखाई दे रही थी। फिलहाल आज दोनों ही सीटों पर जो नामांकन है वो हो चुका है, लेकिन इस नामांकन के पहले असमंजस ये था कि आखिर अब इन सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा। पहली सीट थी आजमगढ़ की जहां से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठना सही समझा और अपनी सीट को छोड़ दिया था, वो सीट खाली हुई थी। और दूसरी सीट थी रामपुर की जहां से आजम खान सांसद थे, अब वो विधायक हैं। इन दोनों ही सीटों पर अब बाई इलेक्शन 23 जून को होना है। दोनों ही सीटों को लेकर के ये बताया जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इस बार ये दोनों ही सीटें इज्जत के सवाल जितनी बड़ी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इन सीटों पर जीत और हार के मायने ये बता देंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव का माहौल क्या है। 23 तारीख को ही पता चल जाएगा कि 24 का माहौल क्या है। 23 तारीख को जब वोटिंग होगी या फिर चुनाव होगा, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि आखिर ये जो 24 का चुनाव होना है देश प्रदेश में, आखिर इस पर ये कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो सबसे अहम होने वाले हैं। क्या मुद्दे विधानसभा चुनाव के दौरान जो थे वही हैं, या मुद्दे बदल गए हैं, या कुछ नए मुद्दों ने उत्तर प्रदेश में जगह बना ली है। 37 साल का मिथक तोड़कर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 महीने का जो कार्यकाल हुआ है उसमें कितना बदलाव हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव लड़ा गया था उन मुद्दों में कितना बदलाव आया है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो जिन मुद्दों को लेकर के वो लगातार चुनाव में उतरे हुए थे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान, बिजली, कई सारी जो समस्याएं थी, क्या उन्हीं समस्याओं पर ये दो प्रमुख सीटों पर भी चुनाव होना है। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी में आखिरी समय तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था और आज एकाएक दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी जो है वो फाइनल हुए, दोनों ही ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। लेकिन उसके पहले अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आजमगढ़ सीट से एक बार फिर से भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं, उस वक्त भी उनको जीत हासिल नहीं हुई थी और उन्होंने उस दौरान ये दावा कर दिया था कि वो ब्रह्म है, जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य हो जाएगा, वो जीत गए तो जीत गए, हालांकि हुआ नहीं था। लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया है। आज फिर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि परिवारों को तो आजमगढ़ ने जिताया है, परिवार के सदस्यों को आजमगढ़ ने जिताया है, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, 2 साल का समय है, 2 साल में काम ना करूंगा तो फिर मत जिताइएगा। तो खुली चुनौती जो है वो
दिनेश लाल यादव ने दे दी है। और इसके अलावा रामपुर की वो सीट जहां से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है, बताया जा रहा है कि ये सीट एक बार फिर से आजम खान के परिवार को दी जा सकती थी। काफी बातचीत भी हुई, आजम खान आज रामपुर कार्यालय में भी पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के, और साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं किसी के सामने ना झुकूं। बताया जा रहा था कि तंजीम फातिमा ने पर्चा भी खरीदा था और वहां से वो प्रत्याशी बनाई जा सकती थी, लेकिन आखिरी समय पर असीम रजा ने वहां से अपना पर्चा दाखिल किया है और अब वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। 2019 में भी उन्होंने पर्चा दाखिल किया था लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था और इस बार फिर से वो एक अहम लड़ाई में समाजवादी पार्टी का झंडा जो है वो बुलंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कई सारे नाम थे जो समाजवादी पार्टी में इस दौरान चल रहे थे कि इन सीटों पर इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसमें आजमगढ़ में दो दिन पहले अभी सुशील बाबू जो कि बलिहारी बाबू के बेटे हैं उनका नाम चल रहा था, अंशुल यादव का नाम भी आज सुबह चल रहा था कि अंशुल यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, डिंपल यादव के नाम पर चर्चा चल रही थी कि डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, आनंद फानंद में आज धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया जो कि बदायूं के सांसद भी रह चुके हैं और अब लोकसभा सीट आजमगढ़ के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर कितनी अहम टक्कर है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मुद्दे क्या होंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा रामपुर की वो सीट जहां से आजम खान या उनके परिवार वाले अक्सर लड़ते आए हैं, इस बार भी बताया जा रहा था कि तंजीम फातिमा वहां से प्रत्याशी हो सकती हैं लेकिन तंजीम फातिमा ने अपना नामांकन नहीं किया और असीम रजा ने वहां से अपना पर्चा भरा है। आजम खान ने खुद इसका ऐलान किया कि असीम रजा यहां से प्रत्याशी होंगे। तो आखिर क्यों आजम खान के परिवार से इस बार किसी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्या मुकदमे, कोर्ट केस, पुलिस की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई, कुछ इन चीजों की शंकाएं मन में थी इस वजह से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, या आपसी कुछ असमंजस बना हुआ है अभी भी अखिलेश और आजम खान के बीच में जिसको लेकर के प्रत्याशी की घोषणा ऐसे नाम पर हुई है जिसने 2019 में भी पर्चा भरा था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में लेकिन उनका पर्चा जो था निरस्त हो गया था। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी से आजम खान के परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बनाया गया था। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब उत्तर प्रदेश में ये जो बाई इलेक्शन होने हैं 23 तारीख को, इसमें कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा मजबूत है, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे, किसके पास खोने के लिए और पाने के लिए क्या है क्या नहीं है, और किसको लगता है कि इस बार ये लड़ाई हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में ये भी जान लेना जरूरी है कि दो प्रमुख और पार्टियां हैं देश और प्रदेश की जिन्होंने कैंडिडेट के बारे में अगर डिक्लेरेशन की बात करी जाए या इलेक्शंस के बारे में बताया जाए तो कांग्रेस, जिसने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको प्रत्याशी ही नहीं मिला इस वजह से इन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा। और बीएसपी की बात करी जाए तो बीएसपी ने रामपुर से प्रत्याशी नहीं उतारा है, आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू जमाली को कुछ दिनों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित किया था, कई ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगे थे जिससे काफी हलचल भी राजनीतिक गलियारों में खड़ी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद गुड्डू जमाली को बसपा में वापस किया गया और इस बार एक प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें साफ तौर पर इस चीज का जिक्र था बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि ये हमारे फाइनल प्रत्याशी हैं, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या ऐसा भी होता है कि बदलाव हो सकता है, फाइनल प्रत्याशी वाली प्रेस रिलीज मैंने पहली बार देखी थी। फिलहाल आप बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा और इस डिबेट को शुरू करता हूँ। जो दिनेश जी को वोट मिला, हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा और लोकसभा में यहाँ का कमल पहुँचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास है। सबको मौका दिया, एक मौका हमको भी दे के देखिए, अगर इन दो साल बचा है, दो साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप बदल दीजिएगा, दो साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है, तो विधानसभा में जो हमारे वोट का प्रतिशत है वो काफी अच्छा है और जो मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था ऊपर करिए अगर उतना ही आशीर्वाद प्याज मिल जाए तो आसानी से। दिनेश जी तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत? तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है, अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत
अच्छा मौका है। हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो, समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। माननीय मुख्तार अब्बास कैबिनेट मंत्री हमारे आए थे, हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय धर्मपाल जी थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित जी थे, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बलदेव धन्यवाद। क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं चुनाव में? तो एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तरह ये चुनाव भी टू विंडो फाइट हो गया है उत्तर प्रदेश का, ये जो बाई इलेक्शन होना है। फिलहाल सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, समीर सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमाम वहीद हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूँगा। चौबे जी, लग रहा था कि इस बार दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, आप लोगों ने बना दिया। लग रहा था कि लड़ाई इस बार आप लोगों के लिए काफी आसान होगी क्योंकि अखिलेश यादव वहां से प्रत्याशी नहीं है, डिंपल यादव का नाम चल रहा था, उस पर भी फाइनल नहीं हुआ। आप लोगों को ये उम्मीद थी कि आसान होगी लड़ाई, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव सामने आ गए हैं, कितना कठिन है। और दूसरी चीज, रामपुर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आजम खान के परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं बना? देखिए नितिन जी, हम लोग कभी जो है अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को अधिक या कमजोर के आधार पर आकलन नहीं करते हैं जी। हम लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। हम लोग विश्वास करते हैं अपनी पार्टी की नीतियों पर, अपने सरकार के काम काजों पर। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो लगातार काम करती है। हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच संपर्क करते हैं, चाहे हमारे मंत्री क्यों ना हो। अभी आपने देखा सभी लोग अपने अपने जिलों में जाकर प्रवास कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे और जनता के बीच जाकर उनसे पूछ रहे थे कि यदि कोई तो इसमें क्या नया है, क्या सपा लेने करते हैं क्या? अब तो आप खुद ही नहीं, आप तो इसका खुद ही आप बता सकते हैं कि इनका संगठन कहाँ कित कब कब जाता है। सिर्फ हंगामा करना अगर हो, वो भी 6 महीने पे साल भर में एक बार हंगामा काटने के लिए, हुजूम उदंडता दिखाने के लिए, ये पूरी जनता यहाँ की जानती है उत्तर प्रदेश की, ये कब कब निकलते हैं। कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्री लगातार लोगों के बीच गए, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। और इन लोगों के नेता क्या कर रहे थे? ट्वीट ट्वीट खेल रहे थे, घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं और वहां पे तो क्या जनता ने नहीं देखा? इन लोग सिर्फ उकसाने और भड़काने के सिवा लगातार यही काम कर रहे हैं। और एक तरफ हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है जो लगातार सकारात्मक काम कर रही है, जो सरकार की योजनाएं वो जनता तक पहुंचे, सही ढंग से पहुंचे, किन सही पात्र तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए लगातार उनके बीच जा रही थी। तो हमारी पार्टी, हमारे प्रत्याशी अपने काम पे जा रहे हैं, पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं, ना कि किसी के जो है कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है, इस पे नहीं। कमजोर और मजबूत जनता तय करती है इस लोकतंत्र में। ठीक है, दोनों जीतेंगे कि एक जीतेंगे कि एक को नहीं जीतेंगे? देखिए जनता, हमने आपसे क्या कहा, उम्मीद क्या है? जनता सर्वोपरि है। आपको हमें बिल्कुल पूरी तैयारी भी तो नहीं, हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी बूथ तक है, बूथ स्तर तक है, लोगों के बीच सारी योजनाओं पहुंच रही है, उस योजनाओं के आधार पर हम उनसे वोट मांगने जाएंगे। हमारे प्रत्याशी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता उसी आधार पर जाएंगे और जनता जनार्दन ने चाहा तो सीटें दोनों के दोनों हमारी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, समीर सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। समीर जी, चौबे जी कह रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, जनता हमारे साथ है। आप लोगों के साथ एक समस्या रही कि इस पूरे इलेक्शन में कैंडिडेट को लेकर के काफी समस्या रही, आखिरी में हालांकि वो फाइनल हुआ, लेकिन आज फाइनल हुआ, क्या कारण रहा कि इतना लेट कैंडिडेट फाइनल करना? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं इस समस्या से आप लोग जूझे थे, इस बार भी इस समस्या से आप जूझ रहे हैं,
क्या कहना है, क्या रणनीति है और क्या मुद्दे रहेंगे? नितिन जी, जैसे कि आपने अभी जो मुझसे सवाल किया है कि विलंब क्यों हुआ इतना, तो विलंब देखा जाए तो विलंब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, क्योंकि बाय इलेक्शंस हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ, कई नामों पे प्रस्ताव चले, कई नामों पे अखिलेश जी, आप ये भी देख रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा अभी हमारा जो बजट सेशन चला है तो पूरे बजट सेशन में भी बहुत है, उसके बाद फिर बैक टू बैक जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि उत्तर प्रदेश में कभी राजनीति खत्म नहीं होती, उत्तर प्रदेश में कभी चुनाव खत्म नहीं होते, बैक टू बैक पहले विधान परिषद के चुनाव, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव, उसके बाद फिर से अब विधान परिषद के नॉमिनेशंस चल रहे हैं, तो इसके बीच में इसके लिए भी समय निकालने के लिए थोड़ी सी विलंब हो गई थी, लेकिन कोई हमें नहीं लगता जैसे कि कई और भी चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं इसलिए हम लोग को विलंब नहीं हुआ, आप लोगों को विलंब इसीलिए हुआ क्योंकि जनता के बीच नहीं रहते। ये विलंब किस विलंब की बात कर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि घनश्याम जी ने भी आज ही नामांकन फाइल किया है और दिनेश लाल जी ने भी अपना, यादव जी ने, निरहुआ जी ने भी अपना नामांकन दो ही दिन तीन दिन पहले फाइल किया है, तो दो तीन दिन में कौन सा ये चुनावी ऐसा उन्होंने ऐसा रच लेंगे कि ये सीट निकाल लेंगे, इसका तो मुझे नहीं पता। और रही बात आपके सवाल के बाद, जो अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें मैं एक दो बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय जो उनके अंदर जो ईगो आ रखा है, जो घमंड आ रखा है, क्योंकि उन्होंने इनको जनता का सपोर्ट मिला है, ईगो थोड़ी ना कह सकते हैं जी, नहीं नहीं, तैयारी अलग है, ईगो अलग है, तैयारी आपको जनता ने समर्थन दिया है, आप जनता के लिए, जब आपके पास कभी ताकत आती है तो उस ताकत के लिए आपके अंदर का जो आपका जो और पोलाइटनेस आनी चाहिए, ना कि आपके अंदर, अभी हम देखें कि जो भी कार्यवाही हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पे जो उनका स्टैंड, जिस तरीके से जो उनकी भाषा शैली है उसको देख के समझ में आता है कि कितना ज़्यादा घमंड है उनके अंदर, और समाजवादी पार्टी या विपक्ष कोई भी सवाल उठाता है तो यही कह के चुप कराने की कोशिश करते हैं कि जनता ने आपको नकार दिया। अरे जनता ने हमें नकार दिया है, सरकार ने नहीं बैठा है। अवाम वहीद आपकी बात पे क्यों हंस रहे हैं जी? अब मैं उनको नहीं जान पा रहा हूँ कि वो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि शायद इस समय उनके पास चुनाव लड़ने के लिए तो मशीनरी है नहीं यहाँ पे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या बोली जाए, या फिर कहीं हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, वो अपना वक्तव्य रख लेंगे। मैं अपनी बात को ही कंटिन्यू कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन दिया, लेकिन आप ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी को जब हमने सरकार बनाई थी उससे ज़्यादा जन समर्थन इस बार मिला है, कुछ 33% वोट हमें मिला है, तो इसको नकार देना कि नहीं जनता ने नकार दिया है, जनता ने हमें विपक्ष का रोल निभाने के लिए बैठाया है और बहुत अच्छा वोट दे के हमें यहाँ पे बैठने का दिया, और वही हम आगे कर रहे हैं। और रही बात कि हमें, अगर दिनेश यादव ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़ के भाग गए हैं जी, दिनेश लाल यादव जी की बातों पे मैं क्या टिप्पणी करूं, हमने पहले भी देखा था 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तब उन्होंने कितनी, अभी आपने उसमें से एक का उल्लेख भी किया था अपने वक्तव्य में कि मैं ब्रह्मा हूं, जो मैंने एक बार बोल दिया हो गया, और आज आपने खुद ही देखा कि आज वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं कि एक बार मौका दे दीजिए, तो आप उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद आपके सामने है कि उनको कितना वो सक्षम है, कितना कॉन्फिडेंट है कि वो सीट निकाल लेंगे, और उनकी टिप्पणी को जैसे भारतीय जनता पार्टी बाकी की बातें बोलती है तो अब निरहुआ जी भी उन्हीं के आचरण में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ऐसी टिप्पणियों समाजवादी पार्टी अगर डरेगी तो समाजवादी पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि खोने के लिए तो आप ही के पास सब नहीं कुछ जी है। कुछ नहीं है क्योंकि ये दोनों सीटें, और सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमने वहां पे जो हमारे इनकम्बेंट सीट हमारे पास ही है, हमने जो आजमगढ़ की जनता है, आजमगढ़ की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है, पिछले पूरा इतिहास अगर हम देख लें कि ऐसी राजनीति को, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो झूठ और विभाजन की राजनीति है, उसको कभी भी उन्होंने अपना पैर जमाने नहीं दिया है। और रही बात रामपुर की, तो अभी हमने इलेक्शंस पे निकले हैं तो वहां पे भी हमारे जो समीकरण बैठ रहा है, पांच सीटें थी, पांच में से तीन समाजवादी पार्टी के पास है, दो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन जो मार्जिन है समाजवादी पार्टी जो जीती है तीनों सीटें, वो मार्जिन 50,000 से ऊपर है, और दो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें से एक का मार्जिन 5,000 है और दूसरे का मार्जिन 300 है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं आता हूँ आपके पास। हमाम वहीद हमारे साथ कांग्रेस से, हवाम वहीद आप समीर सिंह की बात पे क्यों हंस रहे थे? आप तो कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए, कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर आप हंस रहे हैं दूसरे की बात पे। नहीं नहीं, मेरी हंसी किसी और बात पे थी। हाँ। और जहाँ तक हमारी पार्टी का चुनाव न लड़ने का फैसला है, वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, क्योंकि 2022 के चुनाव में हम मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई है या हमारे वोट प्रतिशत कम हुए, लेकिन
2019 के बाद से लगातार जो हमने जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया, चाहे वो कोरोना काल में सेवा भाव से कांग्रेस पार्टी का काम रहा हो, चाहे महिलाओं पे जो उत्पीड़न उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार हो रहा था, तो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी की अगुवाई में उनके नेतृत्व में चौबे जी कह रहे हैं कोरोना में सबसे ज्यादा काम हमने किया है, आप लोग खाली ट्वीट करते थे। इनके पास आंकड़े हैं, झूठे आंकड़े हैं, सरकार के पास रोजगार के आंकड़े हैं। कह रहे राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार होता है, वहाँ आप लोग शांत रहते हैं। महोदय उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी, जब राजस्थान की बात होगी तो राजस्थान की पर भी बात कर ली जाएगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चौबे जी कह रहे हैं आप लोगों ने बसें भेज दी थी, स्कूटर वाले नंबर पे भेज दी थी बता रहे हैं वो। नितिन जी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो फर्क है वो ये है कि राजस्थान में सरकार उन उपद्रवियों के साथ और उन दोषियों के साथ खड़ी नहीं होती है, या सरकार के अधिकारी खड़े नहीं होते, जैसा कि हमने हाथरस में देखा। अगर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने संघर्ष नहीं किया होता, आंदोलन नहीं किया होता, तो क्या हाथरस ये न्याय मिल पाता? हनुमानगढ़ में क्या हुआ था दलित लड़की के साथ? जो दोषियों के साथ खड़े होते हैं, जिनके अधिकारी फटाफट बयान दे देते हैं कि रेप हुई नहीं, घटना हुई नहीं, सरे आम चौराहे पे जो लोग चाकू मार के किसी की हत्या कर दे रहे हैं राजस्थान में, वो क्या हो रहा है? वो राजस्थान भारतवर्ष में ही है ना, कांग्रेस पार्टी आपकी भारत में ही है ना, किसी अन्य देश की है? किसी के चेहरे से, किसी के लिबास से, किसी के दाढ़ी को पकड़ कर मारने की जो प्रवृत्ति आपने शुरू की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 2014 के बाद से लगातार समुदाय के। और ये महाराष्ट्र में भगवान रंग सन्यासियों को देख कर किसने मारा था? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी तमाम जनकल्याणकारी जो योजनाएं थी वो फेल हो चुकी है। आप मुद्दे पे जो जमीनी मुद्दे हैं उस मुद्दे पे सरकार हर तरीके से नाकाम। अच्छा पब्लिक को कोई मैसेज देंगे क्या? जो जो कांग्रेस का वोटर है इन दोनों ही जगहों पर, उनको कोई वो मैसेज देंगे कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना है? नहीं नहीं, पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी को न समर्थन दिया जाएगा न किसी दल के समर्थन है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और बड़ा जो चुनाव है 2024 का, सर कैसे मजबूत होगा जब आप लड़ाई में नहीं उतरोगे तो मजबूत कैसे होगा? नहीं नितिन जी ऐसा नहीं है कि आप हर चुनाव में हिस्सा लें। मैं तो कहता हूं कि आप तैयारी कीजिए, संगठन को मजबूत कर दीजिए, पूरी मजबूती के साथ हम 2022 चौबे जी कह रहे हैं बिना दंगल लड़े आप पहलवान कैसे बन जाएंगे? अरे तो हम कहां चुनाव नहीं लड़े, हमने 2022 में 400 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हमारे नेता चुनाव लड़े, और हम जनता के जो जनमानस के मुद्दे उन मुद्दे को लेकर, जब भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही थी उस वक्त हम युवाओं की बात को लेकर चुनाव मैदान में थे। ठीक है मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी दो जगह चुनाव है, आजमगढ़ से आप खुद आते हैं, क्या वहाँ पर इस वक्त माहौल है और क्या लगता है कौन मजबूत ज्यादा है? नहीं मुझे लगता है नितिन जी इस बार आजमगढ़ का जो उपचुनाव होने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और सेकंड नंबर पे आए थे दिनेश लाल निरहुआ, सिर्फ 2,59,000 वोटों से ही हारे थे। लेकिन उसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि उस समय 2019 के चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, कारण अखिलेश यादव जी के जीतने का वो भी है। अगर अभी के परिदृश्य के अंदर अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के शाह गुड्डू जमाली, जिनका भी जिक्र हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको इस बार भी कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वो करीब 2.5 लाख वोट लेके आए थे। अगर इस बार भी वही कहानी अगर बनती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाना इस बार बहुत ही मुश्किल हो। लड़ाई इस बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पलड़े के अंदर, लेकिन वहाँ विधायक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही है। नहीं बिल्कुल विधायक हैं, लेकिन इसके अंदर वहाँ की जो आजमगढ़ की जनता ये भी तो जान रही है ना कि 2019 का चुनाव था, आप लोकसभा सांसद बनने के लिए आजमगढ़ चले आए। अरे जब आपको विधायक बनना था, जिस प्रकार 2012 के अंदर भारतीय समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तब भी आजमगढ़ की जनता ने आपको 10 सीटें दी, इस बार भी 2022 के अंदर आपको आजमगढ़ की जनता ने 10 सीटें दी। तो जब आपको विपक्ष का ही नेता बनना था, विधानसभा के अंदर जाना था, तो आजमगढ़ की ही कोई सीट चुन लेते भैया, काहे करहल चले गए। यानी सांसदी का चुनाव अगर अखिलेश जी को लड़ना रहे या इनके परिवार के सदस्य को लड़ना रहे तो आजमगढ़ इनको मुफीद लगता है कि यादव का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है, जीत जाएंगे। कहीं और विधानसभा लड़ने की जब बारी आती है तो ये अपना आजमगढ़ छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से आपने सवाल पूछा स्टार्टिंग के अंदर
कि समाजवादी पार्टी ने इतना समय क्यों लगाया कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि उन्हें ये पता चल रहा था कि इस बार कहानी कुछ और हो सकती है। समीर सिंह मुझे घुमा रहे थे इधर उधर। नहीं, वो घुमा रहे थे, अलग बात है, वो पार्टी को अपने आप डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता यही है, डिक्लेयर करने का कारण यही था। पहले उन्होंने डिम्पल का नाम चलाया, डिम्पल भाभी चलते चलते सुनील आनंद जी आ गए। हाँ, ये अलग बात है, सुनील आनंद जी कोई टेक्निकल इशू की वजह से दो जगह नाम आ गए, उन्होंने खुद अपना नाम ले लिया। अंशुल जी का सुबह नाम चला, बाद में धर्मेंद्र यादव जी को मनाया गया, तब जाके चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि सैफ ही परिवार का अगर कोई सदस्य यहाँ पे लड़ेगा तभी कहानी कुछ बन सकती है, अदरवाइज समाजवादी पार्टी का गढ़ मुश्किल में पड़ रहा है इस बार। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता भी जान रही है कि जब इनको जरूरत रही तभी इनको याद आता आजमगढ़। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रभात सर, क्या लगता है इस बार ये दो जो प्रमुख सीटें हैं जहां पर बाई इलेक्शन होना है, कौन ज्यादा मजबूत है और कौन ज्यादा टक्कर देते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि एक बार फिर से कहीं ना कहीं दो प्रमुख पार्टियों के बीच में ही ये लड़ाई रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया है, बसपा ने एक जगह प्रत्याशी दिया है, सपा और बीजेपी के बीच की लड़ाई है। पहले बीजेपी को लग रहा था कि कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं आएगा, लेकिन धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया, लेकिन सुभाष जी ने बताया कि काफी कुछ गणित इसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि इस बार बसपा ने वहां से कैंडिडेट दिया है तो वहां पर मुश्किलें होंगी सपा के लिए। क्या ऐसा सही है? सही है, और मेरा भी यही आकलन है कि इस बार का जो लोकसभा उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहेगा। और सत्ता, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वहां की सीट छोड़ के करहल चले गए और करहल की अपने क्षेत्र की जनता को जिस तरीके से उन्होंने वहां से विधानसभा चुनाव जीता और नेता प्रतिपक्ष बने, देखिये अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है 2014 के बाद से, तो जो समीकरण है वो आजमगढ़ के जो समीकरण है, ये आजमगढ़ एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का, अगर अखिलेश यादव ने वो सीट अपनी रखी होती, और मुझे नहीं लगता कि वो नेता प्रतिपक्ष बन के कितने धारदार वो विधानसभा के अंदर साबित हुए, क्योंकि अभी तक जितनी भी विधानसभा की कार्रवाई मैंने देखी है वहां पर अखिलेश यादव एक बचकानी हरकत करते हुए नजर आए। तो अगर आप नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो आपके पास प्रोटोकॉल एक चीफ मिनिस्टर का भी था, आपको नेता प्रतिपक्ष बनना ही नहीं था। अगर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरना था, आप शिवपाल को ला सकते थे, अपने परिवार में जो बिकचंद था वो बचा सकते थे, आजम खान को आप ला सकते थे, आपने आजम खान की भी लोकसभा सीट छुड़वाई, आपके कहने से आजम खान ने इस्तीफा दिया लोकसभा का। मुझे नहीं समझ में आया कि आजम खान ने विधानसभा में चुपचाप आके सतीश महाना के कमरे में शपथ ली, और उसके बाद क्या रोल अब आजम खान का समाजवादी पार्टी के साथ है, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का जो कैलकुलेशन है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, वो लगातार गलत हो रहा है। और ये तय है कि मायावती ने जिस तरीके से गुड्डू जमानी को आजमगढ़ से चुनाव का टिकट दिया, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, और देखिए दिनेश निरहुआ जो हार गए थे, जब सभी पार्टियां एकजुट थी तब वो हारे थे, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने सीट गंवाई थी, लेकिन अब मायावती समाजवादी पार्टी से जो बदला लेना चाहती है, जिस तरीके से गुड्डू जवानी को मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पे गुड्डू जवानी वोट अगर किसी का काटेंगे तो समाजवादी पार्टी का ही काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और फिर उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का उपचुनाव होता है, जिस तरीके से लोधी को वहां रामपुर से टिकट दिया, लोधी भी आजम खान के बहुत नियर, कभी नियर डियर रहे, बाद में उन्होंने आजम खान की जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लग रहा था, टेम्पल को ना भेजना, उससे भी यही एक मास्टर स्ट्रोक रहा कि कोई भी सैफई का परवाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र यादव बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और चुनाव त्रिकोणी जो चुनाव वहां हो रहा है, उस त्रिकोणी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपनी सीट निकाल ले जाए और एक पहला इतिहास ये बनाए योगी के नेतृत्व में। और रामपुर में भी यही परिदृश्य है, रामपुर में भले आजम खान की ये जो दर्द भरी कहानी है, जेल की कहानी है, लोग आजम खान के साथ जितने दिखाई दे रहे हैं, क्या वो वोट के समय दिखाई देंगे, क्योंकि घनश्याम लोधी भी एक करारी टक्कर वो दे सकते हैं। पहले मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चल रहा था, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को कहीं और एडजस्ट करने की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो नितिन, जिस तरीके से सारा राजनीतिक गणित जो पूरा गुणा भाग है भारतीय जनता पार्टी का, वो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को परास्त करके एक 2024 का संदेश ये निकलेगा इन दोनों उपचुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में ना बहुजन समाज पार्टी सक्षम है, कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो है, और जो मैंडेट की बात समाजवादी पार्टी करती है कि मुझे भारी मैंडेट मिला है और मैं 111 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी हूं,
ऐसी स्थिति में ये संदेश जाएगा कि मुसलमान भी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये परचम लहरा देती है नरेगुआ के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे ये एक संदेश निकलेगा कि जो लगभग 30-35 विधायक मुस्लिम कैंडिडेट जो थे जो जीत के आए थे विधानसभा में, जो वो लगातार अखिलेश से नाराज है, वो 2024 के लोकसभा में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जैसा कहा गया है कि 24/7 की पार्टी है, लगातार वो अपने चुनावी गणित को बनाती रहती है और मजबूत करती रहती है, और ये विपक्षी खेमे जो हैं वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और परिवारवाद के मुद्दे पे ही देखे, डिंपल को चुनाव नहीं लड़ाया गया, लेकिन आप धर्मेंद्र को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो वो भी आपके परिवार से हैं। तो इस बार आजमगढ़ की जनता ये बिल्कुल तय कर रही है कि अगर आपने मेरे दिए हुए जनादेश को आपने ठुकरा के करहल आप चले गए, तो आपके परिवार से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से कोई नहीं जीत पाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत दिलचस्प है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, वो जो आने वाले 2024 में एक बहुत बड़ा असर डालेगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ समीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, सबसे पहले तो मैं प्रभात जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमें इतिहास अगर हम तो ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बाय इलेक्शन होते हैं वो सरकार के इलेक्शन होते हैं, जबकि अगर आप देखें कि 2018 में जो उपचुनाव हुए थे, जो आपका फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव हुआ था, उसमें आप देखिए कि क्या रिजल्ट आया था। और 2018 में जो रिजल्ट आया था उसके एक साल पहले 2017 में आज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, उस टाइम पे उससे बड़े मैंडेट की सरकार थी, और उसके बाद भी गोरखपुर की सीट जो कि योगी आदित्यनाथ जी छोड़ के आए थे, और फूलपुर की सीट जो कि उप मुख्यमंत्री जी की सीट थी, इन दोनों सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई थी। तो ये कहना कि उपचुनाव सत्ताधारी पक्ष के चुनाव होते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी सच्चाई है। इनफैक्ट मेरा उल्टा मानना है, मेरा ये मानना है कि जब उपचुनाव होते हैं तब एक ब्रॉड नैरेटिव नहीं देखा जाता है। चुनाव तो लोकसभा सीट का है, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, कैबिनेट का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव लड़ा जाएगा वो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा, वो जो प्रदेश की स्थिति है उस पे लड़ा जाएगा, ना कि इसमें अगर आप ये भी कहें कि पंजाब में जो हो रहा है उससे भी कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है और उससे ज्यादा जो वहां पे आसपास क्षेत्र में हो रहा है, उसके बेसिस पे ये चुनाव का डिसीजन आएगा, उसके बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बेसिस पे ही जनता वोट दे देगी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इन बेसिस पे आप ज्यादा मजबूत हैं वहां पर? जी बिल्कुल मजबूत हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि 10 सीटों पे क्या हम वहां पे आजमगढ़ से जीत के आ रहे हैं। अगर 10 सीटों पे आजमगढ़ से जीत के ना आ रहे होते तब एक बार को आप बोलते कि हाँ ठीक है, नहीं रहा होगा गढ़, अब वो गढ़ चला गया है। लेकिन जब 10 सीटों में आपको क्लियर कट पूरा पूरे पूरे जिले की सीट अगर आप जीत के आ रहे हैं, तो आप कोई बेस ही नहीं बनता ये बोलने का कि वहां से हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप एक पश्चिम के नेता को ले आए हैं यहाँ पर चुनाव के लिए, मैं ये नहीं समझ पाया। मुझे सॉरी, हंसी आ गई, लेकिन हंसी इस बात पे आ गई क्योंकि जब मोदी जी गुजरात छोड़ के काशी आ जाते हैं, ये वाला तब ये यूज किया। बिल्कुल, आप दूसरे जब आप दूसरे गुजरात छोड़ के जब काशी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे काशी ने बुलाया, मुझे गंगा ने बुलाया है, तब वो बात सही होती है। और उसी प्रदेश का नेता जब किसी दूसरे साइड से आ जाते हैं, तब सुन लीजिए प्रभात जी कुछ कह रहे हैं। धर्मेंद्र के लिए आवाज किसकी निकली है, किसने बुलाया धर्मेंद्र को भाई? क्या अमर सिंह तो प्रधानमंत्री जी को सही में गंगा माँ ने बुलाया था, या बाबा विश्वनाथ ने बुलाया था? बुलाया बाबा विश्वनाथ की नगरी, देखिए सज धज गया, गंगा जी के घाट जो है बाबा जी हो गए। बाबा जी की नगरी में आप देख लीजिए, सालों के बाद आज जो है गंगा जी, आप देख लीजिए बाबा जी की नगरी में आप कर क्या रहे हैं पिछले 20 दिन से। बाबा जी की नगरी में आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, देश को किस आग में झोंकना चाह रहे हैं, आप ये भी देखिए। ठीक है, कभी आप जाइए काशी, आप गए नहीं होंगे, आप लोग बिल्कुल गए, अभी चुनाव पे हो, हम वो चुनाव नहीं जाते हैं, उतरो आप बिल्कुल गए, चुनाव वहाँ पे चुनाव था तब भी गए थे देखने, वहाँ देखने गए थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौड़ी चौड़ी है बिजली की व्यवस्था, पूरा जगमगा रहा है काशी, जाकर देखिए। आप लोग का यही दिक्कत है कि आप लोग सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हो, लखनऊ की जगमगाहट नहीं दिखती आपको, लखनऊ की जगमगाहट नहीं दिखती, लखनऊ को जगमगाने के लिए जुटाइए,
जनता के चंद्रमोहन जी उनके कंधों से कंधे लखनऊ में डेवलपमेंट करने की जगह स्ट्रीट लैंप में बत्तियां लगाते हैं जनता के सुख दुख की जनता के विकास का काम किया है। इस भरी दोपहर में इस धूप में हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी बर्बाद करके रख दिया है देश को। ये किया है सिर्फ काशी ही नहीं पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। बस बस कैमरे पे और सोशल मीडिया पे रहिए, सोशल मीडिया पे नहीं, आप सिर्फ प्रचार के बल पे चल रहे हैं। प्रचार के बल पे आप क्यों नहीं कर रहे? आपको किसने रोका प्रचार से? आप जनता के बीच जाओगे नहीं, अपनी विशेषता बताओगे नहीं, आप विशेषता बताओगे कैसे? आप विशेषता बताओगे कैसे? आप कैसे बताओगे? हिंदू बढ़ जाएगी। ठीक है चौबे जी प्लीज चौबे जी सुन लीजिए। अब आम भाई मैं आऊंगा आपके पास, अब आम भाई आऊंगा। योजना है जिन गंगा माँ की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे में जो जो गंगा जी को साफ करने की बात हुई है, उसमें भी साफ हो गई है। ये सर्वे आया है 20% अगर गंगा जी जो है 20% जो योजना का फंड था उसमें 80% है सिर्फ घाटों को देखिए आप ना, सिर्फ ठीक है ठीक है प्लीज ठीक है प्रचार करने में लगाया गया है ना कि एक्चुअली में सफाई हुई है। आपकी बारी पे चंद्रमोहन जी ने इंटरप्ट कर दिया, अपनी बात रख लूं। हाँ। क्योंकि दोस्त कई बड़े बड़े सवाल आए हैं, कई बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं या बड़े बड़ी चीजें रखी गई हैं। सुभाष जी ने बोला कि 2014 की बात अगर हम करें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी, लेकिन उन्होंने जो एग्जाम्पल कोट किया था कि बसपा का जो रोल था, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अभी 2 महीने हुए हैं चुनाव में, उसके बाद भी अगर आप बसपा का रोल नहीं समझ पा रहे हैं, बसपा का जो ग्राउंड बचा हुआ है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप आज भी गुड्डू जमाली को वही गुड्डू जमाली समझ रहे हैं तो 2014 में थे, अभी गुड्डू जमाली जी ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, वो भी बुरी तरह से हारे हैं, तो बसपा का तो कोई ग्राउंड बचा नहीं है। बसपा को अगर आप उसको 2014 से कंपेयर करना चाहते हैं तो 2014 का आकलन आज के टाइम पे बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। गुड्डू जमाली जी का जो लगाई जा रही है कयासे कि वो दलित वोट भी पाएंगे, वो मुसलमानों का वोट भी काटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है जवाब लेते हैं, सुभाष जी क्या कह रहे हैं? समीर जी सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल नहीं था वो 2014 का, फिर आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क करिए, एग्जाम्पल नहीं था। 2014 का चुनाव था लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव तो एग्जाम्पल नहीं था, और उसके अंदर 2.5 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव 2,59,000 वोटों से जीते थे, ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे, 19 की बात हो रही है, और 2014 के अंदर 2.5 लाख वोट उनको मिले शाहगुड्डू जमाली को। अब आप जो बोल रहे हो ना किसके अंदर जो लॉजिक की बात बता रहे थे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आपने उसके अंदर जो बोला कि 2018 के अंदर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था बाई इलेक्शन तो जीत गई थी, अब मैं आपके उसी सवाल को कोट करूंगा, बहुजन समाज पार्टी 2018 से पहले जब से उसका गठन हुआ है उसके पहले कभी भी किसी बाई इलेक्शन के अंदर नहीं जाती थी, उसका फायदा आपको मिला, इस चीज को आप मायने रखते नहीं है, हो सकता आपको ध्यान रखे ना रखे, लेकिन वास्तविकता ये, आप बहुजन समाज पार्टी को क्या समझते क्या नहीं समझते मुझे नहीं पता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सुनिए समाजवादी, समीर जी सुन तो लीजिए, हाँ मैं ऑटो पे आ रहा हूँ, समीर जी समाजवादी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि उसका कोई कोर वोटर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास कोर वोटर है जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर कहीं नहीं जाता। आपके मैं बता तो रहा हूँ, अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ, एक सीट निकली है वो भी उसमें बसपा कोई रोल नहीं था, उसमें वहां के जो कैंडिडेट थे उनका जो ग्राउंड पे पकड़ थी उससे जीते, वो कहीं से भी लड़ जाते, वो क्यों जीते मैं उसी बता रहा हूँ क्यों जीते, वो भी तो आज ही नहीं नहीं मैं एक सीट भी नहीं जीते, वहाँ पे 10 सीट जीती है समाजवादी पार्टी, बसपा जीती नहीं, फिर गलत बोल रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 34 सीट विधानसभा में इस समय है बसपा की, उसमें बसपा का कोई रोल नहीं है, उसमें कैंडिडेट का रोल है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो बसपा का रोल नहीं है, बसपा के सैंपल से जीता, अरे जनता ऐसे आपके कहने से नहीं होगा ना, ऐसे बोल ऐसे कहने से नहीं होगा, प्रभात का रोल नहीं है, ठीक है गलत है, ठीक है प्रभात चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रभात जी जिस MY फैक्टर की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी बहुत गद्दार है कि वो मुस्लिम और यादव पूरा एक इंटेक्ट होके मुझे मिलेगा, अब ऐसा नहीं है, इस चुनाव में MY फैक्टर का पूरा गणित बिल्कुल बदल चुका है। जिस तरीके से गुड्डू जमाली को देखिए, मायावती निश्चित तौर पे चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन वो उसने अपना कैंडिडेट वहाँ आजमगढ़ में इसीलिए खड़ा किया है कि वो कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जो MY फैक्टर है उसको ब्रेक करेंगे, और उसी ब्रेक करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी कहीं ना कहीं। अंदरूनी देखिए, रामपुर में क्यों नहीं मायावती ने चुनाव लड़वाया अपने प्रत्याशी को, इसीलिए नहीं लड़ाया मायावती ने,
कि वहां पे चुनाव लड़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। और जो आजमगढ़ से संदेश निकलेगा, अगर आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है तो ये बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगा कि मुस्लिम और खुद उनका अपना यादव कोर वोटर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये संदेश देने में कामयाब रही है कि हमारे साथ इतने परसेंट वोट तो है ही, लेकिन हमने और भी दूसरी चाहे वो दलित वोट हो चाहे वो आपका ओबीसी वोट हो, ये सब वोट मेरी तरफ आ रहा है और मैं 50% 50% वोट की पार्टी हूँ। ये 50% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है और 50% जो वोट लेके चलता है तो निश्चित तौर पे 75+ का जो नारा दिया गया है उस नारे को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे चाहे वो मायावती हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इनका अपना जो एक वसूद परिवारवाद को लेके है या जो करप्शन को लेके है, जो परसेप्शन है समाजवादी पार्टी का, वो परसेप्शन समाजवादी पार्टी अपना हटा नहीं पा रही है, चाहे वो विधानसभा से लेके सड़क तक हो, चाहे वो आपके गांव तक हो, क्योंकि गुंडों की पार्टी है, लाल टोपी है, ये परसेप्शन समाजवादी पार्टी नहीं हटा पा रही है। और अखिलेश अगर इस परसेप्शन को नहीं हटा पाएंगे तो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से लड़ेंगे। इसलिए आजमगढ़ की सीट बहुत दिलचस्प चुनाव है। MY फैक्टर गुड्डू जमाली ब्रेक करेंगे और निरहुआ की स्थिति वहां पे धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, सुभाष जी अपनी बात पूरी कीजिए। यही चीज प्रभात जी जो बोल रहे थे बिल्कुल वही बात है। समीर सिंह जी ने एक बात बोली कि बहुजन समाज पार्टी का 2022 के अंदर क्या हाल हुआ प्रदेश ने देखा। मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए कि इसी बहुजन समाज पार्टी ने 60 से 70 सीटें ऐसी थी जिसको हराने में, समाजवादी पार्टी को हराने में बहुत बड़ा योगदान था। ये काबिल दोस्त भूल गए उस चीज को। तो अगर ये इग्नोर कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी की ताकत को, वो तो सीधे कह रहे हैं कि आखिर वो वोट बैंक विधानसभा चुनाव में कहां गया। वही चीज तो, ये वही तो बता रहे हैं कि आईना तो दूसरे को दिखा रहे हैं लेकिन स्वयं ये नहीं देख रहे हैं कि 60 से 70 सीटें ऐसी थी। शायद इनको नहीं पता क्योंकि इनके प्रवक्ताओं ने भी, जैसे चुनाव का रिजल्ट आया था, इनके प्रवक्ताओं ने भी ठीकरा फोड़ा था हार का, सरकार पर भी और बहुजन समाज पार्टी पर भी, कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो बसपा की वजह से हारे। आज ये बसपा को काउंट नहीं कर रहे हैं और वास्तविकता यही है। बहुजन समाज पार्टी, वो कहावत हमारे पूर्वांचल में, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, तो बसपा को हल्के में ले रहे हैं। बसपा जीते न जीते लेकिन बसपा का जो मेन टारगेट, मेन एम है समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से हराना, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाए कि उत्तर प्रदेश के जो MY फैक्टर है वो पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है। उस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, हम वही क्या कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी, मैं प्रभात जी को सुन रहा था कि जिस तरीके से वो मूल्यांकन कर रहे थे आजमगढ़ के चुनाव को लेकर, कि अखिलेश यादव की पार्टी गुंडों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, मुझे लगता है कि कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नहीं दिखाई देते कि किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर जो बच्चियों का बलात्कार है उसके लिए उनके कार्यकर्ता रैली निकालते हैं। नहीं नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है नितेश जी, वरिष्ठ पत्रकार है तो वो मूल्यांकन करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कहीं ना कहीं उन्होंने मूल्यांकन करके बताया तो था कि आप शून्य पे हैं। वो मूल्यांकन, वही मूल्यांकन अपने हिसाब से अपने पक्ष में सुनना चाहते हैं। मैं अपने पक्ष में नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं मूल्यांकन पत्रकार महोदय का सुनना चाहता हूँ कि जब दो पार्टियां चुनाव मैदान में है तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। अपनी बताइए, दूसरे की छोड़िए कि आप मैदान में क्यों नहीं है। आप पहलवान अपने आप को कहते हो और पहलवान जो है पहलवानी के दंगल से ही गायब है। आप अपनी चिंता करिए ना, अपने विषय में कुछ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के चुनाव परिणाम है उससे भी नजर डाल दीजिए। जनता जनार्दन है, जनता कर सभी को मौका देती है। पे जीना अगर चाहिए। आप चुनाव जीते हैं महोदय तो अहंकार में मत रहिए। मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते। हम आपके जो दर्जनों मंत्री चुनाव हारे हैं, आपकी सीटें घट के चली आई है, वोट प्रतिशत घट गया, उस पर बात क्यों नहीं करते। मुख्यमंत्री जो चुनाव हारे हैं, जनार्दन है, 2009 के चुनाव में हमारी 12 लोकसभा सीटें हमने उत्तर प्रदेश में जीती थी। और जो आपने ठगने का काम किया है, बड़े बड़े लुभावी वादे किए कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा,
किसानों की आय दुगना होगी, गरीब अमीर बन जाएगा। आपने अमीरों के सिर्फ टैक्स माफ किए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार काम करके 25 करोड़ गरीब परिवार को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया था। आपकी जो स्कीम है उसके चलते 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हो गए। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आप देखिए आप कहाँ कर रहे हैं। हर मोर्चे पे सरकार नाकाम है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है सरकार। हम इसी मुद्दे को लेकर, जनहित के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अच्छा आपको क्या लगता है ये, नहीं मैं एक चीज पूछ लूं फिर आऊंगा चौबे जी, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। वो सब छोड़िए मुद्दे और बाकी चीजें, उस पर तो आगे भी बातचीत होती रहेगी। आज जो बात हो रही है, आज ये पूछिए कि आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे, ये पूछिए आपने प्रत्याशी ना उतार के प्रत्याशी नहीं मिला होगा। हमारी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, क्योंकि जो चुनाव है 2022 के चुनाव में हम अपने जो परिणाम जनता का मिला उससे हम सहमत नहीं है, इसलिए हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हम छोड़ देंगे, बीच में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर उस चुनाव में हम मैदान में नहीं आए तो 2024 के चुनाव में पूरी मजबूती से हम मैदान में उतरेंगे। नहीं हमाम भाई चौबे जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं। नहीं ना ना, ये सपना अभी भी देख रहे हैं, कार्यकर्ता है, जिला परिषद सदस्य है, चुनाव विधानसभा के लड़े हुए हैं, पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री है। कांग्रेस पार्टी कोई एक चेहरे का नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोई आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को नहीं मिला, इसीलिए बाहर से प्रत्याशी लेके आए। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और उसी को हम मैदान में लड़ाते हैं। ये चुनाव बाहर से लाने की प्रत्याशी की जरूरत नहीं है। आज हम अपने संगठन को मजबूती देने की बात कर रहे हैं। आज हम अपनी रणनीति का एक हिस्सा समझते हुए अपने चुनाव में मैदान में लड़ा के उतार रहा है। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि हम डर गए, हम डरने वाले लोग नहीं है। हम भाजपा के जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मैदान में जाएंगे। अरे प्रत्याशी के बारे में तो बताइए कि कहां से बाहर से लाए हैं। जाना होगा तब चुनाव में। ये तो प्रत्याशी बाहर का थोड़ी ना कोई है, वो तो लोकल प्रत्याशी है। लोकल प्रत्याशी नहीं महोदय, बाहरी प्रत्याशी। किस जिले के हैं आप? होमवर्क करके नहीं आए, रहने वाले हैं बता दीजिए आप ही। बाहरी को आप वहाँ लोकल बोल रहे हो, जो मैनपुरी इटावा से आया है उसको आप वहाँ का बता रहे हो, और जो वहाँ लोकल का है उसको आप बता रहे हो बाहरी। ठीक से आप लोग चुनावी तैयारी करिए, इसीलिए अब समझ में आ गया कि आप लोग मैदान से बाहर इसीलिए हो, क्योंकि आप लोग के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई आपके पास नेता नहीं है, एक सिपाही नहीं है जो लड़ सके। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है महोदय, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। उपलब्धियां बता तो रहे हैं, बात कर रहे थे, काफी चमक रहा है। जो सरकार ने पूरे 5 साल में एक बिजली का स्टेशन प्लांट नहीं लगाया, करोड़ों रुपए आपने सरकारी फूक के बिजनेस, लेकिन 16% बताया जा रहा है। हमने हमने कहा तो कि हमाम भाई आप अपनी जानकारी को जो है जानकारी में वृद्धि करिए। आपके पास जानकारी नहीं है, अब समझ में आया कि इसलिए कांग्रेस चुनाव से दूर भाग रही है कि उसको अब कुछ पता ही नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन आ चुका है, आज उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच गया है, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे बदमाशों पर और अवैध कब्जा करने वालों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई करने की, अरे सुनिए आप जो अपने नेता जो है राहुल बाबा अरे भाई आपने सिर्फ छलने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया है। आपके राहुल बाबा रोज यही बात करते हैं और जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ पे करते हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं सुनते भाई? जनता इतनी पीड़ित, पूरी भाजपा डरती है। अरे सुन तो लीजिए, क्यों आप डरते हैं राहुल जी? जब प्रत्याशी के बारे में पूछिए ना, प्रत्याशी कहाँ है, छोटी सी जानकारी लीजिए। हम डरते हैं बेटे, क्या डरते हैं आपसे? आप प्रत्याशी तो दे नहीं पा रहे हैं, आपके पास एक नेता नहीं जो चुनाव लड़ सके। नहीं ये नतीजों की बात कर रहे हैं, नतीजे तो बसपा के भी नहीं आए थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने तो उतार दिया। उन्होंने रामपुर में नहीं उतारा, अब आप पूछिए बसपा ने रामपुर में क्यों नहीं उतारा? नहीं देखिए बसपा तो पहले भी नहीं उतारती थी, अभी हमने विधानसभा के चुनाव में 403 में से 433 सीटों पे चुनाव लड़ा, हमाम भाई एक दो सीट पे नहीं चुनाव लड़ा। हमाम भाई सुनिए, हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ में हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, रामपुर में तो हमारे पूर्व सांसद है, आपको मालूम ही होगा।
अरे यही दिक्कत है कांग्रेसियों की, जैसे राहुल बाबा कुछ संसद में नहीं सुनते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी गले लगाते हैं, वही हाल आप लोगों का हो गया है। आपके मोदी बाबा से अच्छे हैं जो ताली बजाने का काम करते हैं, ताली बजाने का काम करते हैं, ताली बजाने। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, युवाओं को ठीक है, हो गया हो गया हो गया हम भाई, हो गया हो गया हो गया, क्या इनसे बात हो गया हो गया। चौबे जी आ रहे, प्रभात जी की सुन लो, प्रभात जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं मैं ये कह रहा था, हमाम जी जो बात कह रहे हैं, अच्छा होता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चुनाव लड़ा देते, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। नकुल दुबे को लड़ेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव, किस वजह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी लड़ेंगे, हर कोई लड़ेगा, क्यों है प्रत्याशी आपके पास, हमारे ख्याल से 80 में 150 प्रत्याशी है, लेकिन आपने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया। मैं तो बता रहा हूँ, हम संगठन की तरफ देख रहे हैं, संगठन को मजबूत करेंगे, चुनाव का समय आएगा, बिना लड़े कैसे मजबूत करेंगे भाई। नितिन जी मेरा सवाल ले लीजिए, मैं प्रत्याशी जानना चाहता हूँ, प्रत्याशी कहाँ से आया। 2022 के चुनाव में हमने चुनाव नहीं लड़ा, 400 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी 2022 के चुनाव। हाँ भाई सुभाष जी पूछ रहे हैं प्रत्याशी बाहर का है तो कहाँ का है, किसका प्रत्याशी, आप बीजेपी के प्रत्याशी को बता रहे थे बाहर का प्रत्याशी है, बीजेपी नहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाहर का। ये देखो ठीक है, समीर सिंह, समीर लाइव में आप बात कर गए, समीर सिंह जवाब दीजिए। नितिन जी इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि उनको बाहर का ना ट्रीट किया जाए, क्योंकि बात तो सबके लिए एक ही है ना, चाहे विपक्षी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो ये बात बोलेगा तो बात तो वही रहेगी। अगर जब मोदी जी को आप बाहरी नहीं कह सकते, तो ये तो हमारे उसी प्रदेश के हिस्से हैं, और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पूरी इन्होंने पढ़ाई करी है, वहाँ का इनका सारा स्टूडेंट बेस है पूर्वांचल का, तो इनको बाहरी कहाँ से। समीर भाई आपके पुराने सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के जो प्रत्याशी बाहर के, आपके पुराने सहयोगी बोल रहे हैं। सहयोगी पुराने, हम जरा हिस्ट्री पे ना जाएं तो ज्यादा बेहतर, नहीं जाना वो जरूरी है, गलत है, बिना इतिहास जाने नहीं, बिना इतिहास जाने वर्तमान सही नहीं होता है। अगर हम पीछे चले, बिना इतिहास जाने वर्तमान कभी नहीं सुधरता है। नहीं 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 देखिए जो है नितिन जी, सदन में जो है हालांकि ये मुद्दा इस टॉपिक से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि इतिहास को जब खोद खोद के चीजें निकाल रहे हैं तो देश में क्या हालात हो रहे हैं। और कभी भी जब आप विकास करेंगे तो विकास करने के लिए आपको अपने इतिहास को जहां पे है वहीं पे छोड़ना, आप इतिहास बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। आप फ्यूचर बनाने के लिए होता है, वो आप नहीं, फ्यूचर बनाने के लिए होता है, फ्यूचर बनाने के लिए होता है चंद्रमोहन जी, सुधार के लिए होता है, फ्यूचर बनाने के लिए होता है। गड़े मूर्ति उखाड़ के क्या कर लेंगे जब फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है, यही दिक्कत है। आप फ्यूचर को छोड़ रहे, इतिहास में आप पीछे जा रहे हैं। सुनिए चंद्रमोहन जी, देश में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज जो है 36 किलोमीटर सड़कें बनती है, आज हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कैसा बना दिया आपने, गड्ढा ही यहाँ हर काम में भ्रष्टाचार होता था, आज भ्रष्टाचार नहीं है। पहले इतिहास में 1 रुपए में 85% तो खा जाते थे, इनको जाना होता था, तो जितना भी डेटा है, जितनी भी, जैसे कि अभी सुभाष जी ने जो आकलन बताया, छोटा सवाल उसमें से ले लीजिए कि उस आकलन में गलतियां हैं, क्योंकि ठीक है सुभाष जी क्या कह रहे हैं। अब मैं आपके विकास वाले मॉडल पे आ जाता हूँ, ठीक है ना, आप उसी बात करना चाह रहे हैं ना। अब विकास मैं तो कह रहा हूँ, बात अभी छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हम वापस से डिरेल हो जा रहे हैं। नहीं नहीं डिरेल नहीं होंगे, अब डिरेल नहीं होंगे, आजमगढ़ पे आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल आजमगढ़ पे आ रहा हूँ। जब आपने विकास की बात कर दी और आजमगढ़ की बात कर दी, तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी मतलब आजमगढ़ और आजमगढ़ मतलब समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ ने दी थी। विकास क्या हुआ, विकास के नाम पे आप बार बार क्या गिनाते हैं, आजमगढ़ में सिर्फ एक कलेक्ट्री भवन, उसके ऊपर बेरोजगार जाके चिल्लाएगा क्या मुझे रोजगार दो। सठियाओं की चीनी मिल जो कि मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय की थी, उसके बाद 2022 के अंदर भी आजमगढ़ की जनता ने यह सोचा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या दिया आपने, विकास की बात आप कर रहे हैं, उस आजमगढ़ के बारे में सोचिए जिस आजमगढ़ ने 2014 के अंदर भी आपके मैनपुरी किला जो आपके किले थे ढह गए थे, तभी आजमगढ़ ने आपकी लाज रखी।
2017 के अंदर आपके सारे किले ढह गए, उस आजमगढ़ ने आपकी लाज रखी। 2019 के अंदर आपके सारे मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं सारे किले ढह गए, उस आजमगढ़ ने आपकी लाज रखी। 2022 के अंदर भी आपके सारे किले ढह गए, उस आजमगढ़ ने आपकी लाज रखी। आजमगढ़ को आपने क्या दिया? डेवलपमेंट की बात करते हो आप, क्या दिया आपने आजमगढ़ को? इस डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और आजमगढ़ की जनता विशेषकर जानना चाहती है कि आजमगढ़ को आपने दिया क्या है। डाटा के अंदर बताइए मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। समय मैं आपको फिर बिल्कुल देखिए जी, जो जो प्रभात जी क्वेश्चन सुन लीजिए, समीर इधर नाम है जी। देखिए बिल्कुल सही है, आजमगढ़ ने बहुत कुछ समाजवादी पार्टी को दिया। आपने सिर्फ सफाई का विकास किया, सफाई पे आपने बॉलीवुड उतारा, आजमगढ़ को आपने क्या दिया? ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। मैं जवाब ले लेता हूँ प्रभा जी, ठीक है जवाब ले लेता हूँ। हाँ समीर जल्दी से जवाब दीजिए। ने इतने सारे आरोप हम पे लगा दिए कि हमने कुछ नहीं किया, स्पेशली आजमगढ़ के लिए तो कुछ नहीं किया, तो अगर थोड़ा सा सुभाष जी हमें ये बता दें कि इस सरकार में इनको क्या मिल गया? जबकि एक बात सब लोग ये भूल जाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी 2012 में, तब समाजवादी पार्टी को कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, और आप सब लोग पुराने, आप चाहे जर्नलिस्ट हैं चाहे पुराने राजनीतिक हैं, सबको पता है कि कितनी सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें आपको केंद्र का समर्थन चाहिए होता है। और यही बात है जो आज की सरकारें कहती हैं, हम डबल इंजन की सरकारें हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमने वो कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अगर आगरा एक्सप्रेस वे की बात करी जाए तो आगरा एक्सप्रेस वे में भी पूरा जी जी सुभाष जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप अगर हमें ना दे क्रेडिट तो वो अलग बात है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसीलिए बनाया गया। आप आजमगढ़ पे आइए, आप मुद्दे से अब भटक रहे हैं, अभी आप दूसरे को इंटरप्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि जब कनेक्ट होगा। मुद्दे पे आइए आप जी भाई, इलेक्शन का ही आजमगढ़ पे आइए, मुद्दे पे ही आजमगढ़ के विकास के बारे में बताइए। आजमगढ़ के लोगों को आपने क्या दिया? आपका गढ़ बनाया है आजमगढ़ को, आपने क्या दिया है आजमगढ़ को? उसकी उसके परसेप्शन को समाप्त कर पाए क्या कि आजमगढ़ ऐसा नहीं है? आपने आजमगढ़ के लिए क्या कर दिया ये बताइए। प्रभात सर इनके पास जवाब ही नहीं, आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया, इनके पास जवाब ही नहीं। प्रभात सर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में आ गए, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बोलते हैं वही एक्सप्रेस में ये भी आ गए। सुभाष जी जी तो अच्छा मतलब अगर कोई काम गिना है तो बस खाली वही है। आपने आजमगढ़ की जब बात की, नहीं नहीं फिर वही बात, आजमगढ़ की जब बात कर रहे हो आप, इलेक्शन की बात कर रहे हो भाई, इलेक्शन की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आजमगढ़ के साथ संदेला व्यवहार क्यों? आजमगढ़ पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है क्या? सफाई के अंदर विकास होगा, आजमगढ़ पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, सफाई का विकास ही होगा। बार बार कहते हैं कि हर जगह एक साथ सफाई का विकास होगा। देखिए नितिन जी, यही तो हार जाते हो, यही हार जाते हो, बदायूं हार जाते हो, फिरोजाबाद हार जाते हो, आजमगढ़ आपकी लाज रखे, बस लाज रखने के लिए आजमगढ़ है, आजमगढ़ के लिए विकास नहीं होगा। दोहरा रवैया क्यों समाजवादी पार्टी का? दोहरा रवैया क्यों आजमगढ़ के? दोहरा रवैया है, आजमगढ़ की जनता भी जान रही इस बार, ये होता है कि आजमगढ़ के लोग कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए वोट देने के लिए आजमगढ़ आना पड़ता है। जीतने के बाद समाजवादी पार्टी कन्नौज का विकास करेगा, आजमगढ़ का विकास नहीं करेगा, कोई जिला ना छूटे। ठीक है ये तो यही दो, ठीक है ठीक है। चौबे से जल्दी जवाब दीजिए, खत्म करता हूँ उसके बाद। नहीं नहीं देखिए, अभी इन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार बाधा डाली थी, जल्दी से आप ये बताइए जो काम इनके रहते वही काम, जैसे मान लीजिए अभी जो है बिजली शौचालय का ही मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, नहीं बिजली में हम बोल रहे हैं, देखिए सौभाग्य के अंतर्गत बिजली और शौचालय दोनों बता रहे हैं, सौभाग्य के अंतर्गत इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मात्र जो है 36,000 कनेक्शन दिए थे, और हमारी सरकार ने आते 1.5 करोड़ लोगों को जो है बिजली के कनेक्शन दिए सौभाग्य के अंतर्गत। तो अंतर ये है, शौचालय इन्होंने मात्र जो है पूरे 3 साल में किस प्रकार से इन्होंने बाधा डाला था, जो लोगों को मिलना चाहिए था, जो पात्र लाभ पात्र जो लाभार्थी होते उनको भी मात्र इन्होंने 24,000 शौचालय बनाए थे मात्र, और हमारी सरकार आते ही जो है 2 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बने। तो ये है, ये खुद ही विकास नहीं करना चाह रहे थे, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे। नहीं ये नहीं, आपने खुद रोका, आपने नहीं आपने खुद रोका, बिजली बताए तो आपको, बिजली पे बताए तो आपको कितनी बार बजे बिजली का, आपका सुनिए, सुन लीजिए, अब हमको बिजली सुन लीजिए, बिजली का हाल ये था इनके समय में कि ये गिने हुए मात्र 5 जिलों में आती थी बिजली, आज जो है ग्रामीण क्षेत्र में 18 जनपद में जो है 22 और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आती है, ये थैंक यू, थैंक ठीक है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 23 जून को बाई इलेक्शन होने हैं, दो प्रमुख सीटों पर, वो प्रमुख सीटें जहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतकर आए थे, लेकिन दोनों ही कैंडिडेट्स ने विधानसभा चुनाव के लिए
लिए, उसमें जीत दर्ज करने के बाद उन सीटों को छोड़ दिया है। अब फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर जो लड़ाई है वो काफी अहम हो रही है। आजमगढ़ की जो सीट है वहां पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई क्योंकि बसपा ने भी वहां से प्रत्याशी उतार दिया है, प्रत्याशी भी मजबूत है। देखना अहम होगा कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन ये नतीजे जाहिर सी बात है 24 के चुनाव पर काफी असर छोड़ेंगे। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।